बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ और वो एक आईएएस ऑफिसर के साथ बदसलूकी का है जो कि किसी और ने नहीं दिल्ली के एक मंत्री ने की और वो जून से बढ़ता बढ़ता इस मुकाम तक पहुंचा क्योंकि असलियत में जो रेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 1000 बसें यानी 2000 से 2500 करोड़ का घपला करने की कोशिश थी जो कि वो ऑफिसर बार बार मना कर रही थी और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं आप उसको लिख लीजिए और जो कैबिनेट को फैसला लेना है वो फैसला ले लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन लिखे जाएं। इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता है उसने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास को ऑफ करवा दिया और बल्कि अब से कैबिनेट की मीटिंग रिकॉर्ड तक नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि इसका पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाए और इस विषय को पूरी महत्ता दी जाए और खासतौर पे महिला सुरक्षा को देखकर कि जो लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं ना DCW इस पे कुछ कर रहा है और NCW खासतौर पे इस पे कार्रवाई करे और इसको संज्ञान में ले। बहुत बहुत धन्यवाद।